हेलो गाइस हेलो डियर स्टूडेंट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एट्थ सोशल साइंस गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर इज़ फोर्थ चैप्टर नेम इज़ सिटीज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड शहर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ब्रिटिश पीरियड की कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के एक्सरसाइज हम सॉल्व करके अपलोड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट आप बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके ओके okay? अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर मिलेंगे आपको और भी सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर नेम एनी थ्री सिटीज डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल थ्री सिटीज के नेम बताने हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंतर के समय अंतराल में डेवलप हुई थी तो वो होगा मुंबई मद्रास एंड कोलकाता आर डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नेक्स्ट बिटवीन विच टू सिटीज इन इंडिया डिड द फर्स्ट रेलवे स्टार्ट देन आंसर द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री ए डी Next, the construction of New Delhi started in which hill area during British rule? Then answer, construction of New Delhi started in the Resin Hills area, the south of Old Delhi. Next question, where did the first textile mill start in India? The first textile mill started in India at Mumbai. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देर इज फर्स्ट क्वेश्चन मैंशन द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इसमें पूछा गया कि आपको कंडीशन बतानी है वो परिस्थितियाँ बतानी हैं जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज की थी कब ब्रिटिश रूल के स्टार्टिंग के समय में विद द ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश रूल आवर ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज सच कॉटन टेक्सटाइल स्कल्पचर्स एंड मेटल जी स्पाइसेज एक्सेट्रा बिगेन टू पैरिस उस टाइम ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर थी दिन ऑफ द कॉटेट्रीज बिगे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड इंडियाज कॉटन एंड सिल्क टेल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सर्वाइव अंडर द कंपनी रेजिम इसमें क्या हुआ कॉटन की मांग जब वहां पर ज्यादा रहने ओ, होने लगी इंग्लैंड में तो उसके सामने हम इंडिया कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट सर्वाइव नहीं कर पाई कंपनी रेजिवी के सामने साथ में द ब्रिटिश वॉन्टेड टू रूल ओवर मोर एंड मोर टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज ब्रिटिश ये चाहते थे कि भारत में सभी जगह पे इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो इनका विकास हो दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट एंड द कंपनी गेंड हुज़ प्रॉफिट बाई गेटिंग चीप रो मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग दम एट हायर प्राइज प्राइजेस इन यूरोप ये लोग ये चाहते थे जो ब्रिटिशर्स थे कि इंडिया से चीप रेट में वो सारा कच्चा माल ले और वो सारा कच्चा माल हाई रेट पर यूरोप में बेचे फिर सेकेंड है स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्टेट द डेवलपमेंट हमें यहाँ पे जो विकास हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटिश रूल के समय में उसके बारे में बताना है तो देखिए फ्रॉम एंशियन टाइम द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज़ वर्ल्ड फेमस पुराने समय में भारतीय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी जो कपड़ा उद्योग था बहुत ही ज़्यादा फेमस था द पोजिशन ऑफ इंडियन मुस्लिन एंड पटोला वॉज कंसिडर्ड एज द आइडेंटिटी ऑफ द रिच जो पटोला था और जो इंडियन मुस्लिम था ये क्या था यहाँ का एक रिच आइडेंटिटी आइडेंटिटी थी यहाँ की पहचान थी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया जो औद्योगिक क्रांति है वो भी सबसे पहले भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही हुई थी द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया स्टार्टेड इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर ए इन मुंबई रणछोड़ लाल छोटा लाल स्टार्टेड द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद ऑन थर्टी मीट 1861. हंड्रेड सिक्सटी मिल स्टार्टेड इन प्लेसेस लाइक नागपुर सोलापुर मद्रास 106 मिल स्टार्टेड इन अहमदाबाद इट्स और इसी के साथ में 106 मिल शुरू हुई थी अहमदाबाद में फिर देखिए डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हमें यहाँ पर डिस्क्राइब वर्णन करना है इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार पहले युद्ध के बाद में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जेम्स जी टाटा इस्टेब्लिश द फर्स्ट आयरन फैक्ट्री इन साक्षी जमशेदपुर एज सुन एज दिस फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील स्टार्टेड इन इंडिया राइट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फर्स्ट है यहाँ पे हु गेम मुंबई आइसलैंड एज द डॉरी टू द ब्रिटिश प्रिंस आएगा पोर्तज फोर्ट मिलियम लेटर डेवलप्ड एज विच सिटी कोलकाता विच सिटी वॉज कॉल्ड द मैंचेस्टर ऑफ इंडिया आंसर अहमदाबाद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया तो देखिए आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फिर एम एज द फॉलोइंग फोर्ट विलियम कोलकाता आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जमशेदपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज जयपुर इसी के साथ सॉरी फोर्ट सेंट जॉर्ज जयपुर नहीं होगा चेन्नई होगा फोर्ट विलियम होगा कोलकाता आयरन स्टील इंडस्ट्री होगा जमशेदपुर और फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा चेन्नई इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है एक्सरसाइज फिनिश होती है डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा इसकी एक्सरसाइज आपने लिख ली होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में तब तक के लिए थैंक यू